नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्यापार ऐप में परचेज रिपोर्ट कैसे देखें। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सेल्स रिपोर्ट के बारे में बताया था कि सेल्स रिपोर्ट कैसे देखें, तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि परचेज रिपोर्ट कैसे देखें। तो सबसे पहले हमें अपना व्यापार ऐप को ओपन कर लेना है। व्यापार ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, जो हमारा मेन इंटरफेस होगा इस टाइप से होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट आपको मिलता है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना और देखिए ट्रांजेक्शन का नीचे लिखा हुआ है सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे परचेज रिपोर्ट, हमें परचेज रिपोर्ट वाले पे क्लिक कर देना है। परचेज मतलब होता है हमारी खरीद। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरे एक महीने में 1 से लेकर 21 तारीख तक हमने टोटल सेल किया है 337,177.23। ठीक है, तो हमने इतना परचेस किया। अब इंडिविजुअल जैसे हमने पिछले वीडियो में सेल्स रिपोर्ट चेक करना बताया था, सेम प्रोसेस इसमें भी है। बस ये हमारा वो हमारा सेल रिपोर्ट है, ये हमारा परचेस रिपोर्ट है। अब हमें देखना है कि हमने 31 तारीख को हमने कितना ख़रीदा है कोई भी माल, या मैं 18 तारीख को देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे 18 डेट सेलेक्ट कर लेना है दोनों। अगर एक डेट का देखना है तो यहाँ पे भी आपको करना है, यहाँ पे 18 तारीख सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे भी करना है। ठीक है, दोनों एक ही डेट रहना चाहिए और एक ही महीना रहना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 18 तारीख को हमने किया है 5,430 रुपये की खरीदारी। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से आप अपना परचेज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो मैंने बता दिया है। और अभी तक हमारे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।